एक सेकेंड। तो बेटा आपका गिबरेलिक एसिड इंटरन होकर एलोंगेशन कराता है। एलोंगेशन होता क्या, देखिए इसको ब्लॉटिंग भी बोलते हैं, बोल्टिंग सॉरी, इसको एक टर्म दिया जाता है बेटा बोल्टिंग, ठीक है। कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया बोल्टिंग कहाँ होता है, तो गिबरेलिन कराता है, याद रखना बोल्टिंग, जो कि वो क्या है बेटा, सर इंटरनोडल अगर एलोंग। ब्लॉटिंग लिखे तो ये भी दिख नहीं रहा। इंटरनोडल इलॉन्गेशन कराएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। और बेटा बोल्टिंग प्रोसेस जो देखी गई, सबसे पहले इंटरनोडल इलॉन्गेशन कराया गया था कैबेज का, किसका, कैबेज का, और शुगर केन में भी है ही बेटा, शुगर केन का भी हमने इंटरलो इलॉन्गेशन कराया, कैबेज का कराया है, और कैबेज के अलावा ये किया गया है बीट में। बीट मतलब बीटरूट कैबेज और बीट दो में इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं, कराया गया बेटा। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो स्टोर्ड फूड होता है वो मोबिलाइज कराता है गिबरेलिन, क्या कराता है बेटा, मोबिलाइजेशन कराता मोबिलाइज है, कराता है। हाँ मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, कहाँ पे, स्टोर्ड फूड इन इन नहीं, मोबिलाइजेशन कराता है स्टोर फूड बेटा इन जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, इन जर्मिनेटिंग सीड जर्मिनेटिंग, जहाँ पे ज़रूरत है मतलब वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर। ये तो फ्लोएम भी कराता है। फ्लोएम बेटा लंबी जगह के लिए है, ये बस सीड के अंदर की बात है, सीड में कोई फ्लोएम नहीं होता, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम में स्टोर्ड फूड का मोबिलाइजेशन कराएगा बेटा, मेल फ्लावरिंग कराता है और पार्थिनोकार्पी कराता है, क्या कराता है, मेल की फ्लावरिंग कराता है और कराता है पार्थिनोकार्पी, तो पता है ना, हाँ जी कॉपी हाँ वो जानता, वो मतलब खिलवाना ना नहीं, बिना फूल जो। फर्टिलाइजेशन के बेटा फ्रूट बन जाना, उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। हाँ तो गिबरेलिक एसिड सर दोनों प्रमोट करता है, ठीक है बेटा। सीड जर्मिनेशन के टाइम में गिबरलिक एसिड प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको बोलते हैं, एक्चुअली गिबरलिक एसिड जो है ना किस तरीके से मोबिलाइजेशन कराता है न्यूट्रिशन का, देखिए गिबरलिक एसिड बेटा एक एंजाइम को सिंथेसिस कराता है, जिसका नाम है अमाइलेस, क्या नाम है, अमाइलेस, पता सर ही नहीं है, अमाइलेसेस नहीं ये प्लांट के अंदर का अमाइलेस है बेटा, अमाइलेस सिंथेसिस कराता है, जो कि बेटा क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा, तो सीड में एनर्जी देगा, ठीक है, ये इसकी अमाइलेस का मदद लेता है। अब बेटा गिबरलिक एसिड को अगर इनहिबिट करना हो तो हमारे पास एक कंपाउंड, इसका नाम है सी सी सी, सी 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 का फुल फॉर्म है बेटा बहुत छोटा सा है, साइको सेल, ठीक है, सी से साइको आएगा, साइकोसिस ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो गिबरलिक एसिड को भी खत्म करता है। देखो सारे पॉइंट्स हो गए बेटा, जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, गिबरलिक एसिड 100 तरीके के होते हैं, जिसमें मेन है GA3, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है, ये ऐसे ही बोलता है ना, क्या नाम है उसका, टेक्निकल गुरु जी ऐसे ही बोलता है कि बोले 100 तरीके का था, इसको यूज़ किया गया है, इसके 100 टाइप्स होते हैं है ना, और ये डीले करता है सिनेंसिस फ्रूट्स के अंदर बेटा, फ्रूट को लंबे समय के लिए आपके ट्रे पे मेंटेन कराता है, इंक्रीज करता है यील्ड शुगर केन का, और 20 टन एकड़ का ग्रोथ कराता है, स्पीड अप करता है माल्टिंग प्रोसेस अल्कोहल इंडस्ट्री में, और गिबरेलिक एसिड बेटा अर्ली मैचुरेशन कराता है सीड का, मोबिलाइजेशन कराता है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन का माइलेज को सिंथेसिस कराता है, और इसका इनहिबिटर है साइको सेल, और बोल्टिंग प्रोसेस में यूज होता है, जो कि इंटरनोडल इलॉन्गेशन होता है कैबेज और बीट में, क्लियर, खत्म सर ये बेटा। पार्थेनोकार्पी में ये सोच रहा हूँ सर कि मतलब ये तो ऐसा कुछ बात हुआ ना कि बिना स्पर्म के ओवरी फ्यूज हो गया अपने आप ही। हाँ फ्यूज नहीं